ये साबूदाना खिचड़ी या सैगो खिचड़ी बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये 2 कप साबूदाना है, जिसे रात भर भिगो के रखा था। भिगोने से पहले उसे अच्छे से धोया था और उसके क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा पानी रख के उसे भिगोया था। ये मूंगफली है, 1 कप मूंगफली, जिसे भून के उसका छिलका उतार के लिया है। 2 मीडियम साइज आलू है, जिसे छिलका उतार के कट करके लिया है। हरी धनिया पत्ती है, 2 मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा है, स्वादानुसार नमक है और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल है। ये मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते। आइए पहले हम मिक्सी में हरी मिर्च और जीरे को थोड़ा दरदरा पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा नमक भी डालना है। आइए पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं। इसमें मैं अभी ये 2 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, हम लोग मूंगफली को मिक्सी में पीस लेते हैं। मूंगफली को दरदरा पीसना है, उसका पाउडर नहीं बनाना है। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हमने जो आलू लिए थे ये हम उसमें डालते हैं। आलू को थोड़ा सा फ्राई करना है। गैस की फ्लेम मैं कम कर देती हूँ, पूरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये हम चेक कर लेते हैं आलू पका है क्या। आलू पक चुका है, अब हम उसमें हरी मिर्च और जीरा डालते हैं। इसे भी थोड़ा सा भून के लेना है। भून चुके हैं, हम साबूदाना डालते हैं उसमें। ये मैंने 2 कप साबूदाना भिगो के रखा था, वो डाल रहे हैं। पहले साबूदाने को अच्छे से मिक्स करना है, गैस के फ्लेम कम रखना है। अब ये हम पीनट पाउडर उसमें डाल रहे हैं। 2 कप साबुदाने को 1 कप पीनट पाउडर लिया है। अब मैं इसमें ये नमक डालती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालना है और थोड़ी हरी धनिया पत्ती डालनी है। ढक के पकाना है, मैं इसके ऊपर ढक्कन रखती हूँ। आइए साबूदाना खिचड़ी चेक कर लेते हैं। हमारी साबूदाना खिचड़ी बन चुकी है, थोड़ा इसे हिला लेती हूँ। फिर उसे सर्विंग डिश में निकाल देती हूँ। धनिया पत्ती के साथ गार्निश करते हैं। अगर आप व्रत में धनिया नहीं खाते हैं तो आप मत डालिए, ये ऑप्शनल है। हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है, जो बहुत ही अच्छी बनी है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।